चतुर संप्रदाय के इस पावन क्षेत्र में उपस्थित है। हमने आपको पहले ही ये अवगत करवाया कि जो चतुर संप्रदाय है, चतुर संप्रदाय के चार मुख्य सदस्य हैं जो पूरे मेले को और पूरे वैष्णव अनियों को संचालित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। उनके जितनी समस्याएं हैं वो एक कोर्ट है, इस कोर्ट में आकर उनको समाधान मिलता है। हम यहाँ के एक और सदस्य से बात करने जा रहे हैं। इनका नाम है अनंत विभूषित परम श्रद्धे श्री महंत राम लखनदास जी महाराज। आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, आपका आश्रम भोपाल के पास में भी है, नागपुर के पास में भी है। मैं इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले महाराष्ट्र का स्वागत करता हूं और महाराष्ट्र आपको नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र, हम आपके इस समुदाय में आए हुए हैं और समुदाय में आपसे हम बातचीत कर रहे हैं। इस पर महाराष्ट्र, आपको क्या लग रहा है, जो हिंदू समाज है, हिंदू धर्म है, क्या चुनौतियां हैं हिंदू धर्म और हिंदू समाज के सामने? आपका जो प्रश्न है, वास्तव में वर्तमान समय की परिस्थितियों को निर्देश दिशा निर्देश करने के लिए, संवारने और अपने आप को समझने के लिए इससे उत्तम प्रश्न कोई नहीं हो सकता। तो प्रथम मैं गणपति जी को नमन कर रहा हूं। नीत प्रवीण निगमा गमशास्त्र बुद्धे राजाधिराज रघुनायक मंत्रिवर्य सिंदूर चर्चित कले वर्ण केंद्र श्री रामदूत हनुमन हर संकटम में। आपको पीड़ा थी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, इसलिए आपके अंतःकरण में जिज्ञासा पैदा हुई कि इन परिस्थितियों से निपटने के लिए, बचने के लिए उपाय क्या है, संभालने के लिए क्या रूप हो सकता है। पहली बात यह कि आज जो वर्तमान दशा है, वैज्ञानिक युग के कारण जो है, हम भीड़ तो लगा रहे हैं पर भटक रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर भीड़ लगा रहे हैं पर भटक रहे हैं। आज वर्तमान परिस्थिति का मूल कारण जन्म कहां से होता है, उसकी जड़ कहां है। जिस समय से आज का जो समाज है संयुक्त परिवार की व्यवस्था से छिन्न भिन्न हुआ और एकांकी जीवन हो गया, तब से हम अपने अस्तर, अपनी परंपरा, जो पूर्वजों की देन है, उससे भी छोड़ते जा रहे हैं। और सामने जो एक प्रकाश है, दिखाई पड़ रहा है, वो प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश हमको प्रलोभन देकर डुबाने वाला है, न कि हमको संवारने वाला है। तो आज हमें बहुत गंभीर चिंतन करना चाहिए कि हम इस हिंदू समाज को किस प्रकार से वो करें। ये हिंदू ही समाज नहीं, हर समाज। और जब अनुशासनहीनता हो जाती है, हम तभी संभल सकते हैं जब हम किसी के बन के रहेंगे। हम तभी संभल सकते हैं जबकि हम किसी के संयुक्त परिवार में, एक नायक रहता था, कोई वृद्ध 15-25 को जो है नियंत्रण करता था, सबको प्यार देता था। क्या करता था? प्यार देता, स्वतः अपने को कष्ट देता था, सबको संवारता था, सब में विश्वास था। और उस व्यक्ति महापुरुष के चरणों में, गृहस्थ चरणों में वो समर्पित थे। लेकिन जिस दिन से हमारी ये छोटी छोटी टुकड़ियां बन गई हैं, हम आपस में ही विश्वास को खोते जा रहे हैं। और जब विश्वास को खोते जा रहे हैं, तो कोई क्रिश्चियन समाज का है, तो कोई मुस्लिम समाज का है, कोई हिंदू समाज का है। ये जो हमारी परंपरा थी, हमारा ब्लड ग्रुप जो है, जब से हम ब्लड ग्रुप से अलग होते जा रहे हैं, तब से विचारों में अंतर आता जा रहा है। और इस अंतर को संवारने के लिए एक ही रास्ता है कि सबसे पहले हम अपने आंगन को संभालें। जो आंगन का प्रमुख हो, वो प्रमुख पहले अपने बच्चों को संवारे, और तभी जो हर आंगन में, तभी जा करके कहीं आशा की किरण हो सकती है। कारण पहले हमारे यहां चार ही वर्ण थे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन आज हर वर्ग में इतनी उपजातियां हो गई हैं,
कि अब सरकार के भी की बस की नहीं है और हमारे प्रलोभन इतना बढ़ता जा रहा है कि हम किसी के हाथ में आने वाले नहीं। जी महर्षि, अब इसमें एक यहाँ महर्षि एक प्रश्न आता है कि वक्त के साथ साथ जो हमारा हिंदू धर्म कहे, या सबसे अच्छा कहना ये रहेगा कि जो हमारी सनातन पद्धति थी, जो सबके लिए थी, पूरे विश्व के लिए एक व्यवस्था थी, उसमें तो न तो हिंदू था, न मुसलमान था, न ईसाई था, न सिख था, कुछ भी नहीं लिखा है। भगवद गीता में भी नहीं लिखा है, हमारे वेदों में नहीं लिखा है, उपनिषदों में नहीं लिखा है, एक व्यवस्था लिखी है पूरे विश्व को संचालन करने के लिए। लेकिन महर्षि, अब वक्त के साथ साथ में अब नया एक रूप ले रहा है ये सब कुछ, जातिवाद का रूप लेने लगा है, आपस में सांप्रदायिक तत्वों का एक असर पड़ने लगा है पूरे समाज पर। और इसमें अगर हम मान लें कि जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज को अपने ही देश में रहने से उनको कष्ट है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो बोल नहीं पाते हैं, वो अपने धर्म को की आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। जब कोई हमारा सदगुरु कोई महापुरुष आवाज़ उठाता तो उसको ये कहते हैं कि ये धर्म ये अधर्म की बात करता है, ये सेक्युलरिज्म है, भारत में तो धर्म निरपेक्षता है, तो ये हिंदुत्व की क्यों बात करता है। महर्षि, ऐसा क्यों हुआ अपने ही देश में? मैंने प्रथम आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया। आज आपने ये कहा कि जो वर्तमान कौतुक दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे वैसे हमारे यहां परम आवश्यक है कि ज्ञान अर्जित करना परम आवश्यक है। क्या करना? ज्ञान अर्जित करना। और ज्ञान अर्जित करने के पश्चात यदि उसमें लोच है, समर्पण है, तो ज्ञान की शोभा है। किसकी शोभा है? ज्ञान की शोभा है। लेकिन ज्ञान लोच लेता ही नहीं, क्योंकि जो जैसे मोहल्ले में रहेगा उसी प्रकार की उसकी प्रवृत्ति बनेगी। तो ज्ञान खोपड़ी का विषय है और समर्पण भक्ति हृदय का विषय है। हृदय कोमल है, हृदय कोमल है, खोपड़ी कठोर है। तो अब इस कठोरता के कारण आज हम कहीं अंत नहीं पा रहे हैं। वर्षों तलक लाखों भले ही शास्त्र को सुनता रहे, पढ़ता रहे या रात दिन उपदेश भी करता रहे, जब तक बना है भेदमय तू। आपने ये कहा कि आज हिंदू धर्म अपनी आवाज नहीं उठा रहा है, क्या नहीं कर रहा है? बिल्कुल। हाँ, तो जब तक बना है भेदमय तू, भय न तब तक जाएगा, जब भेद सब मिट जाएगा तब शांति अक्षय पाएगा। तो आज हम इस अभेदता को, जो भेद है उसको अभेद बनाने के लिए, ये तो परमात्मा की ही कृपा हो जाए तो उत्तम होगा। महर्षि, जो हमारे गृहस्थी है, अब गृहस्थियों के सामने में तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं उनके सामने में, उनको घर की व्यवस्था भी देखनी है, उनको धर्म पर भी चलना है, उनको समाज को भी देख के चलना है, तो कैसे वो अपने इस जीवन को बैलेंस बना सके, किस तरीके से संतुलन लाए जिससे उनका जो जीवन है सुखी रहे, समृद्ध रहे। एक चीज आज जो है प्रशासन की व्यवस्था को देखते हुए लोग सब सीमित हो गए हैं। क्या हुआ? सीमित गए हैं। क्या हो गए? सीमित हो गए। मुझे एक उदाहरण याद है, अमरावती के पास एक गांव था, तो वहां मैं गया, साजी गया, तो वहां पर बुढ़ा थे, तो मैंने सहज पूछा कि आपकी क्या उम्र है, तो उन्होंने कहा कि हम 87 वर्ष के हैं और मेरी पत्नी जो है 82 वर्ष की है। मैं बोला आपके बच्चे? तो पुरुष तो चुप हो गया। मां बोलने लगी, बाबा जी मेरे 13 बच्चे हुए। 13 बहुत गरीब थी, लोगों के घर में आटा पीसती थी और थोड़ी सी मजदूरी दे देती थी, तो वो बच्चों को मैं पालती थी, इनकी 5 रुपए की नौकरी थी, लेकिन हम खुश थे। क्या कहा? ये बच्चे जैसे छोटे बड़े छोटे छोटे हुए, बड़े हुए तो लड़के लेकर के वहां पहुंच जाते थे, तो कोई कंधे पर चढ़ गया, तो लोगों ने ये सोचा कि जब बच्चों को खिलाएगी तो हमारा काम क्या करेगी, तो उन्होंने निकाल दिया। क्या कहा? निकाल दिया। लेकिन मैं अपने प्रारब्ध को कभी, उस प्रारब्ध से कभी जो है मैंने
वो दूरी नहीं किया, उसे प्यार किया। आज मेरे बच्चे कोई इंजीनियर है, कोई की फैक्ट्री है, कोई डॉक्टर है। अच्छा, 13 के 13 सकलो नहीं, 11 मैं बताता हूँ। सब है, संपन्न है। यहाँ एक जमीन एक कुपिया में रहते थे, आज मेरे पास इस गांव में 125 बीघा जमीन है। 13 में से 2 बच्चे नहीं रहे। क्या बोले? 2 नहीं रहे। 2 नहीं रहे, और उन दोनों की याद करके वो बुढ़ी रोने लगी। क्या करने लगी? रोने लगी। मैं प्रणाम किया उसको, धन्य है कि तू संघर्ष से जो है को लगाया आपने, उससे दूरी घृणा नहीं किया, और पुरुषार्थ पर तूने अपना जो है विश्वास किया, उसी का परिणाम। तो उसने हमको ज्ञान दिया कि बाबा जी हम जन्म भी नहीं दे सकते, देता तो वो है। जब जन्म पाता है आदमी तो अपना प्रारब्ध लेकर आता है। क्या लेकर आता है? प्रारब्ध लेकर आता है कि हमारे पास रोटी नहीं थी। आज मेरे बच्चे जो हैं इतनी प्रगति किए, तो अपना मेरा यश नहीं, मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे कोख से पैदा हुए, पर मैं इतनी परम भाग्यशाली हूँ कि मेरे कोख से जन्म लेने वाले बच्चे जो हैं प्रारब्धवान निकले। उसका परिणाम आज मैं देख करके जिंदा रहने की कामना करती हूँ। तो आज हम जो हैं गृहस्थ जीवन जो है वो इतनी अपेक्षाओं से त्रस्त है, क्योंकि आज का आदमी संघर्ष जो है नहीं झेलना चाहता, सब स्वतः पाना चाहता है। और इसीलिए जो है परिवार में भी जो है छिन्नता भिन्नता आ रही है, कोई आदमी का एक दूसरे के प्रति कोई समर्पण नहीं है, स्वतः अपने आप को अपने लिए जिंदा रहना चाहता है, इसलिए यह दशा है। तो महर्षि, उनको करना क्या चाहिए? कितना समय उनको पाठ पूजा में देना चाहिए? कितना समय उनको घर की व्यवस्था में देना चाहिए? कितना समय उनको समाज सेवा में देना चाहिए? एक गृहस्थी को महर्षि क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने आंगन को संवारे। किसको? आंगन को। कोई आवश्यक नहीं है कि आप जो है दान करिए, अपने आश्रितों को सुख देते हुए, उनके लिए पुरुषार्थ करते हुए उनको प्रसन्न रखना, यह सबसे बड़ा दान है, और यह सबसे बड़ा घर को बांधने का एक स्रोत है। आज हम बच्चों की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं, और आप अपनी नाम और गरिमा के लिए जो है हम मार्केट में जो है नाम पैदा करना चाहते हैं और उनको पंगु रखना चाहते हैं, तो वेदना की लकीर तो खींचेगी ही ना। सबसे पहला कर्तव्य यह है कि अपने परिवार, अपने आश्रित जो भी हैं, माता पिता बच्चे पत्नी, ये पहले उनकी व्यवस्था करें। क्या करें? उनकी व्यवस्था, उनकी व्यवस्था के लिए ये अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करें। उनसे निपटने के बाद तब दान करो। दान करने से कोई आदमी स्वर्ग नहीं जाता है। देखिए आप ये भी अभी कह देंगे कि अच्छी बात सुना, दान करने से लक्ष्मी शुद्ध होकर टिकती है। दान करने से लक्ष्मी शुद्ध होकर टिकती है, टिकती है। जैसे मान लीजिए आपका कपड़ा जो है गंदा पसीने से हो गया, आपने नहीं किया तो आप इसको उतार के फेंक देते हो, जब ये धुल करके आ जाता है, फ्रेश हो जाता है, तो बच्चा भी हाथ लगाता है तो आप नाराज होते हैं। इसी प्रकार से अपने पुरुषार्थ के माध्यम से जो भी अर्निंग है, माध्यम अपने रिटर्न जो आ रहा है, पता नहीं शुभ है अशुभ है, अगर अशुभ है तो वो निश्चित है कि अपना दोष उसमें लाएगा। इसकी शुद्धता के लिए दान करना आवश्यक है। जहां तक भगवान की भक्ति है, मेरा तो ये सोचना है भय के कारण, भागने के कारण, टाइम गुजारने के कारण आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो मन नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? आप कितना भी टाइम ले, चिंता से त्रस्त रहेंगे। क्या रहेंगे? चिंता से त्रस्त रहेंगे। अगर अपने घर का संतुलन अच्छा रहा तो 2 मिनट में नाम ले लो, स्थिरता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? स्थिरता आ जाएगी। और जब 2 मिनट भाव कुभाव अलख आलसहू और नाम जपत मंगल, इसीलिए तुलसीदास जी ने यह कहा है कि कलिकाल में इतनी वेदनाएं रहेंगी कि उन वेदनाओं के माध्यम से भगवान के नाम लेने के लिए स्थिरता नहीं रहेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा स्थिरता रहे न रहे, पर कैसे भी ऊट पटांग नाम लो, भगवान स्वीकार करेगा। कि कलयुग में आज हम बाबा लोग बैठे हैं, यहां बैठे हैं साधु गादी का पक्का हो, व्यापारी आसन का पक्का हो, आज साधु भीड़ लगाने में विश्वास है,
जबकि साधु का लक्षण है एकांतवास। क्या? एकांतवास सही है, बिल्कुल जी। व्यापारी ग्राहक हो ना हो, लेकिन दुकान को इस अपने गाड़ी को विश्वास करें, ग्राहक अपने आप आएगा। वो गाड़ी में बैठा है, कोई ग्राहक नहीं, उठ करके पान खाने चला गया, अब ग्राहक कब आएगा? तो आज जो हमारी विश्वास, आज हमारी जो परिस्थितियां थी, जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं से हम सब भटक रहे हैं, न कि एकमात्र ग्रस्त। महर्षि, आपने तो बहुत सुंदर और अद्भुत सरल शब्दों में पूरे हमारे को ज्ञान दिया, हमारे दर्शकों को ज्ञान दिया। तो महर्षि, मैं ये चाहता हूँ कि इस कुंभ क्षेत्र से और आपके इस पवित्र आश्रम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप लोग जो इतना परिश्रम करना चाहते हैं, उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो लोग जो डगर डगर वेदनाओं को लेकर, आज वर्तमान परिस्थितियों को वेदनाओं को लेकर के, उन वेदनाओं से मुक्त होने के लिए फकीरों के पास भी दौड़ रहे हैं, गृहस्थ के पास भी दौड़ रहे हैं, बाबाओं की तरफ दौड़ रहे हैं। केवल ये कि हमारा ये आज का वर्तमान जो पहलू है, उसको हम किस प्रकार से खिला सके, ये आपका प्रयास है। क्या है? मीडिया का प्रयास है। तो मैं ये चाहूंगा कि ईश्वर आपके इस प्रयास और इस लगन को सार्थक करने के लिए आपके सपनों को जो है साकार करे, और जनता जनार्दन जो है आपके बताए हुए विचारों को देखकर, संतों के बताए हुए विचारों को जो आप प्रदर्शन करेंगे उसको देखकर कुछ अपने आप को संभालें, अपने आप को पहचानें, और जब अपने आप को पहचान जाए तो निश्चित इसी में आपकी सफलता है और संत समाज और इस कुंभ की भी सफलता है। तो आप थे परम सद्य प्रातः सुमरणीय श्री महंत राम लक्ष्मण दास जी महाराज, आपने अपने विचार हमारे सामने रखे। मुझे आशा है आप सबको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, आपको मार्गदर्शन मिला होगा, और आपको कैसे गृहस्थ जीवन जीना है, किस प्रकार से गृहस्थ जीवन जीना है, महाराज जी ने आपको मार्गदर्शन दिया। महाराज जी के साथ में इस तरीके के कार्यक्रम भविष्य में भी करते रहेंगे। इससे पहले मैं इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर दूं, मैं महाराज जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।